नमस्कार। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर अनाहत चक्र के जागरण का अभ्यास शुरू करेंगे। अनाहत अर्थात जो आहत न हुआ हो, इसका संबंध हृदय से है, जो लगातार आजीवन लयबद्ध तरीके से तरंगित और स्पंदित होता रहता है। अनाहत चक्र को मेरुदंड की आंतरिक दीवारों में वक्ष के केंद्र के पीछे अनुभव किया जा सकता है। इसका क्षेत्र हृदय है। जहां अनाहत चक्र स्थित है, उस स्थान को अंदर से महसूस करते हुए वहां अवधान लगाएं। हरे रंग के प्रकाश से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल का स्थान अनाहत। हर पंखुड़ी पर सिंदूरी रंग से अक्षर अंकित है। कम खम गम घम चम छम जम जम तम ठम। यह 12 पंखुड़ियां है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती है। चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलुपता, कपटता, वितर्क और अनुताप, व्यक्ति की भावनाएं और साधन की आंतरिक अनुभूतियां इस चक्र से संबंध रखती है। अनाहत कमल की फल भीति के केंद्र में एक उल्टा त्रिकोण है, जिसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है। यह अखंड ज्योति ही अपनी जीवात्मा है। अनाहत के स्थान पर अवधान लगाए रखना है। अनाहत का आंतरिक क्षेत्र षटकोणीय है, जो वायु तत्व को दर्शाता है। यह षटकोणीय क्षेत्र 2 त्रिकोणों से मिलकर बना है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इसके ऊपर गहरे भूरे रंग में यम बीज मंत्र अंकित है। अनाहत चक्र के स्थान को भीतर से महसूस करते हुए यम इस बीज मंत्र का जाप मन ही मन में अपनी गति और क्षमता से करते रहना है। यम 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 यम।
यम 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 अनाहत की गहराई में उतरते जाएं, बीज मंत्र की ऊर्जा का अनुभव करते रहे। अनाहत के स्थान पर जो भी अनुभूति हो उसका निरीक्षण करे। बारह नाड़ियों के ध्वनि कंपन सुने और उसे अनुभव करे। कम खम गम घम चम छम जम जम टम ठम कम खम गम घम चम छम जम जम टम ठम कम खम गम घम चम छम जम जम टम ठम। इस बीज मंत्र के रंग की ऊर्जा का अनुभव करें। सामान्य सांस लीजिए। और कुछ समय विश्राम करें।